आजादी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी। प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया वाराणसी में उग्रधरना प्रदर्शन। कई दर्जन कांग्रेसियों के साथ अजय राय को किया गया गिरफ्तार। वाराणसी सहित पूरे देश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद लगातार कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है। इसी क्रम में 13 जून यानी आज वाराणसी में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र में वाराणसी जिला इकाई व अन्य सहयोगी संगठनों के द्वारा अपने चहेते प्रदेश अध्यक्ष को रिहा करने के लिए वाराणसी युवा कांग्रेसियों ने टाउन हॉल स्थित गांधी पार्क में सांकेतिक मौन उपवास व धरना प्रदर्शन किया। विगत 24 दिनों से हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को आम जनमानस की सेवा करने के आरोप में योगी सरकार ने जेल में बंद किया है। उसके विरोध में लगायत हम लोग आम जनमानस जो लॉकडाउन के अंतराल में पीड़ित है उसकी मदद कर रहे हैं। दूसरे चरण में लल्लू जी के गिरफ्तारी के विरोध में आज हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए धरना दे रहे थे, जिसके विरोध में बनारस प्रशासन ने हम लोगों के साथ जो कि हमारे नेता माननीय अजय राय जी को अपने अभिरक्षा में ले रखा है, जिसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। अगर हमारे माननीय अजय राय जी को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो हम लोग उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। पुलिस के बल पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। प्रदेश अध्यक्ष को रिहा करो। इस क्रम में वाराणसी के जिला प्रशासन के द्वारा कांग्रेसियों के द्वारा नोकझोंक धक्का मुक्की व प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। धरना प्रदर्शन में पूर्व विधायक अजय राय के साथ दर्जनों कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर प्रशासन के द्वारा पुलिस लाइन ले जाया गया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासन व सरकार के विरोध में उग्र नारेबाजी की। गिरफ्तार करने में पूर्व विधायक अजय राय के साथ जिलाध्यक्ष विश्वनाथ कुंवर सिंह के साथ कई दर्जन कार्यकर्ता शामिल थे।